हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे एंड अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स कि ये हफ्ता, दैट मीन्स जनवरी 8 to 14, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये रीडिंग बेस्ड अपॉन जोडियक साइन है, सन राइजिंग, मून, किसी भी तरह से आप जिस भी जोडियक से कनेक्टेड फील करते हैं, आप इस रीडिंग को उस जोडियक साइन से चेक कर सकते हैं। रीडिंग बहुत छोटी सी है, बड़ी नहीं है, एंड फटाफट से मैं सारी जोडियक साइंस के लिए 1-1 कार्ड निकाल कर इस हफ्ते की एनर्जीज अपडेट करने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका जोडियक साइन कौन सा है एंड आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की है। ओके, तो सबसे पहले हमारा कर्क राशि के लिए, कैंसर के लिए जनवरी 8 to 14 कैसी रहेंगी उनकी एनर्जीज, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये हफ्ता न्यूट्रल रहेगा। जैसा अब तक चल रहा है वैसा ही सब कुछ चलेगा। एकदम से कुछ नया या कोई सडन चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता, बट स्टिल ऐसा ज़रूर लगता है कि जो आपके आसपास नेगेटिविटी है उसको रिमूव करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करोगे। नाउ फॉर पाइसेस, मीन राशि के लिए लेट्स चेक क्या एनर्जी अपडेट है। ओ माय गॉड, पाइसेस मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ आप लोगों के मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, और विदाउट एनी रीज़न आप में से बहुत सारे लोग ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस, सैड और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी से आप फटाफट से बाहर निकलेंगे एंड अपनी खुद की लाइफ पर फोकस करने वाले हैं इस पूरे हफ्ते में। नाउ फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी अर्निंग और फाइनेंसेस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दोगे और साथ ही में कुछ चैरिटीज भी कर सकते हो। नाउ फॉर जेमिनाय, मिथुन राशि। फॉर माय जेमिनाय फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है इस हफ्ते में आप फुल पैशन से आगे बढ़ोगे कुछ नया क्रिएट करने के लिए, करोगे भी, लेकिन स्टिल कुछ पास्ट मेमोरीज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं एंड आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकती हैं। नाउ फॉर लिब्रा, लेट्स चेक फॉर लिब्रा। लिब्रा इस वीक पूरे आप बहुत इंट्यूटिव रहोगे, अपनी स्टडी पर काफ़ी फोकस करोगे, कुछ नया सीखने की काफ़ी कोशिश करोगे, हीलिंग एनर्जीज काफ़ी ग्रैप करोगे और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे। सॉरी फ्रेंड्स, एकदम से नॉइज आ गया था। अब हम चेक कर रहे हैं अक्वेरियस के लिए ये पूरा वीक कैसा रहेगा। हमारे कुंभ राशि के लोगों के लिए 3 of Swords, 7 of Cups एंड द लवर्स, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स वैसे तो आप क्वाइट बैलेंस रहोगे एंड कॉन्फिडेंट भी रहोगे और पॉजिटिव भी रहोगे, बट किसी इमोशनल मैटर को लेकर आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन, सैड और डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो या फिर कंफ्यूज हो सकते हो। नाउ फॉर एरीज, एरीज ऐसा लग रहा है इस पूरे वीक आप काफ़ी अथॉरिटेटिव रहोगे, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर काफ़ी फोकस करोगे एंड पूरा ध्यान अपने करियर पर दोगे। नाउ फॉर लियो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका कौन सा जोड़ियक है एंड ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी है। लियो, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है जो भी एक्शंस आपको लेने हैं आप विदाउट हेजिटेशन फुल अथॉरिटी और पावर के साथ लोगे, लेकिन स्टिल एडवाइस यहाँ पर यह है कि प्रैक्टिकली सभी एक्शंस लो लेकिन आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसा ना हो कि जहां ज्यादा बात करो वहां विदाउट एनी रीजन आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं। नाउ फॉर सजिटेरियस,
सजिटेरियस पूरा वीक हार्मनी का है, सेलिब्रेशन का है, अबंडेंस का है, फैमिली में आसपास के लोगों में काफ़ी तालमेल अच्छा रहेगा आपके साथ, एंड ऐसा लग रहा है उनकी कंपनी को, उनके साथ को आप बहुत एंजॉय करोगे। नाउ फॉर टॉरस, टॉरस इस पूरे वीक में ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत सीरियस होकर किसी मैटर पर सोचोगे कि यार इस मैटर में मैं बहुत टाइम से फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, और फाइनली इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। ठीक है, कोई नया प्रपोजल आता हुआ भी इस वीक में आपकी तरफ दिखाई देता है, किसी तरह की सेलिब्रेशन एंड गुड न्यूज़ आती हुई भी दिखाई देती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रपोजल्स एंड किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत, या फिर रिलेशनशिप में एक नए रोमांटिक साइकिल की शुरुआत, इनके चांसेस बड़े स्ट्रांग हैं। नाउ फॉर वर्गो, वर्गो किसी तरह का जस्टिस इस वीक आपको मिलेगा, ऐसा लग रहा है जितना आप काम करोगे उतने रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो इट्स अप टू यू कि आप किस वे में किस तरह से अपने एफर्ट्स को लगाते हो, बट यस, जहां पर भी आप एफर्ट्स लगाओगे वहां पे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नाउ फॉर कैप्रिकॉन, इस हफ्ते हीलिंग वाइब्रेशंस आप तक आ रही हैं, तो इमोशनली आप काफी बैलेंस्ड फील करोगे। अगर अभी तक किसी थिंग से आप बहुत सैड थे, डिसअपॉइंटेड थे, तो वो हील होती हुई दिखाई देती है, आपके रिलेशनशिप मैटर्स सोल्व होते हुए या किसी तरह का कोई रिकन्सिलेशन आता हुआ आपकी तरफ दिखाई देता है, कोई हेल्थ मैटर आपका सॉर्ट आउट होगा एंड आप हेल्थ को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उसके चांसेस स्ट्रांग हैं। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि इस वीक में ना कुछ तो नेगेटिव आपकी लाइफ में अभी तक चल रहा था जो ओवर होने वाला है, एंड कॉन्फिडेंटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। अगर किसी थिंग को लेट गो करने के आगे बढ़ने की ज़रूरत अभी तक थी और आप नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है इस वीक में आप करो। नाउ फाइनली लास्ट में सबके लिए कलेक्टिवली चेक करते हैं ये वीक कैसा रहेगा। द टावर, सेवन ऑफ कप्स, द लवर्स, द फूल एंड द मून। तो आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, इनसिक्योर हैं, सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, बार बार मूड स्विंग्स फेस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल किसी तरह का रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, रोमांटिक साइकिल, ट्रैवलिंग या फिर अनएक्सपेक्टेड किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ इस हफ्ते आपको रिसीव हो सकती है आई मीन टू से। तो हमेशा ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, अप्स एंड डाउन साथ साथ चलते हैं एंड हैप्पीनेस और सैडनेस साथ साथ चलती है, तो कभी भी घबराइए मत, बस सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।